बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुलाकात में वज़ीर आज़म को सिंध की इंतजामी अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कराची की तरक्की खुशहाली के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत भरपूर तआवुन से काम करेगी। मुलाकात में इत्तफाक। सिंध हाई कोर्ट में जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान मकसूद की हलाकत का मामला। मुलजमान एएसआई तारिक और दीगर अहलकारों की सजा के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजमान की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने इस केस को दोबारा सेशन अदालत में चलाने का हुक्म दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए से बढ़कर 200 रुपए तक चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए एक पैसा महंगा होकर 197 रुपए 75 पैसे का हो गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई का दौरा मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदरीप मुनीर अकरम और अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान समेत सिफारत खाने के दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर विहाड़ी में भी सफाई मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर खजर अफजाल चौधरी की क्यादत में आगाही वॉक की गई। शहर को 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जहानिया में हीट स्ट्रोक से बचने और आवाम को आगाही देने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक वॉक का इस्तेमाल किया गया। हीट स्ट्रोक से ज्यादातर धूप में फिरने वाले बच्चे, मजदूर, खिलाड़ी और बुजुर्ग मुतासर हो सकते हैं। चेहरियों को एहतियाती तदाबीर बारे बताया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का पुलिस के हमरा जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। पुरेवाला में जाली दूध बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ढक्कन यूसी चेयरमैन के लिए आजाद उम्मीदवार सना आबरू के शान में दोस्तों की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में नौजवान सियासी समाजी और मुअज्जिज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के अहतमाम पर केक भी काटा गया। समंदरी में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को कुचल डाला। राहगीर मौका पर जान बहक। पुलिस ने ट्रक कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शेरगढ़ में गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैट्रिक के बोर्ड के सालाना इम्तहानात में नकल करते हुए 3 तालिबे इल्मों से बूटियां बरामद कर ली गईं और मुकदमा दर्ज। तालिबे इल्म मौका से फरार होने में कामयाब। और फोर्ट अब्बास में मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसा काले पहाड़ अड्डे के करीब पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हादसे की वजह से मोटरसाइकिल सवार दो नौजवान मौका पर जान बहक हो गए। सरगोधा में मुस्लिम लीग नून के जलसे के हवाले से जलसा गाह में तोड़ फोड़ का मामला। जलसा गाह में फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए बनाया गया स्टेडियम हैवी मशीनरी के जरिए तोड़ दिया गया था। डीसी मोहम्मद असगर जोया, डीपीओ डॉक्टर रिजवान जो है बाग फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे। डीसी मोहम्मद असगर जोया ने तोड़ फोड़ का काम को रुकवा दिया। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। कराची में बेशुमार प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के बाद अ प्रोजेक्ट ऑफ अलहुदा डेवलपर